हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। और थंबनेल से आपको तो पता चल ही गया किस टॉपिक पे वीडियो होने वाली है। सो इस वाले टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, वो जो किसी टेम्पलेट ऐप से बनाया था, जिस पे मैंने टेम्पलेट पहले से क्रिएट था ऐप में। सो उनमें बस फोटो डाल के मैंने बताया हुआ कि कैसे बनाना, और वीडियो गाइज काफ़ी ऑसम बनता उसमें भी। सो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सो वो वीडियो भी ज़रूर देख ले। और मैंने उस वीडियो में बोला था कि मैं कैपकट से भी बताऊँगा, सो वही वीडियो मैं आज लेके आया हूँ। आज मैं इसमें कैपकट से बताऊँगा कि शुगर क्रश जो ट्रेंडिंग वीडियो है इंस्टाग्राम पे, काफ़ी वीडियो है उस पर, सो वो वाला वीडियो कैसे बनाएं, सो वही इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखें, उससे पहले मैं प्रीव्यू बताता हूँ। सो कुछ हिसाब से आपको जो प्रीव्यू वीडियो देखने को मिलेगा। कुछ इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आपको क्या करना है, जो भी इस चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सो कर ले जो भी करना है। और नीचे म्यूजिक का लिंक है, सो म्यूजिक को डाउनलोड कर ले। और कैपकट आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, सो कैपकट डाउनलोड करके उसको ओपन कर। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रोम को ओपन करना पड़ेगा। सो क्रोम को ओपन क्यों करना है, क्रोम को ओपन इसलिए करना है क्योंकि आपको जो है कुछ फोटोज़ के जो बैकग्राउंड रिमूव करने पड़ेंगे। सो आप क्रोम पे आए, बीजी रिमूव करके सर्च मारे, और ये जो पहले वेबसाइट होगा सो उस पर विजिट करें, और अपलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। सो अपलोड इमेज पे टैप करके ब्राउज के ऑप्शन पे टैप करें और अपने इमेज को सिलेक्ट करें। सो पहले 4-5 इमेज का पहले जितने भी लेयर्स बनाने चाहते हो, जो कलर थे ना जितने, उतने आपको इमेज को जो है पहले सेट करना, सिलेक्ट करना, और उसके जो है बैकग्राउंड रिमूव करना। सो इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही अपलोड इमेज पे टैप करके अपलोड करोगे तो कुछ ही सेट से अपलोडिंग होएगा, देन रिमूव बैकग्राउंड होएगा। सो यहाँ से कुछ ही से बैकग्राउंड रिमूव हुआ, और नीचे डाउनलोड का दो ऑप्शन है, तो आपने सिंपल वाले जो डाउनलोड का ऑप्शन है इस पे आपने टैप करना, और ये जो डाउनलोड हो जाएगा। सो कुछ ही से ये डाउनलोड हो गया, देन आपको जो अपलोड इमेज का फिर से ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपने उस पे टैप करना, और कट करके भी कर सकते हो, जो क्रॉस का उस पे टैप करके भी कर सकते हो। सो अपलोड इमेज पे आए, देन यहाँ से 2-3 इमेज का आपने जो बैकग्राउंड रिमूव कर लेना। सो यहाँ से मैं 2-3 रिमूव करता हूँ, और आपको पता लग जाएगा, वीडियो के एंड तक देखो सब कुछ पता लग जाएगा कितने फोटो आपने रिमूव करने हैं कितने नहीं। सो वीडियो के एंड तक देखे तो कुछ से दूसरे इमेज को मैंने रिमूव किया बैकग्राउंड और डाउनलोड किया। सो आपको रिमूव करने के लिए क्या करना, क्रोम ओपन करना, बीजी रिमूव करके सर्च मारना, और पहले वेबसाइट पे आके और अपलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, सो उस पर टैप करें, और देन यहाँ से कोई सा भी इमेज सेलेक्ट करें, और इमेज बस सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से ओरिजिनल का आएगा, फिर इस टाइप से लोडिंग लेगा, देन रिमूव बैकग्राउंड करके आएगा, तो यहाँ से रिमूव हुआ, देन नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों सिंपल वाला जो डाउनलोड है ना उस पर आपने सिंपली टैप करना, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। सो यहाँ से मैंने डाउनलोड वाले पर टैप किया, और कुछ इस टाइप से ये होगा, और ये जो डाउनलोड हो गया, फिर आपको जो अपने कैपकट को ओपन करना, और कैपकट को ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आपने सिंपली न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर टैप करना, और न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर टैप करोगे तो यहाँ से जिस बैकग्राउंड का, जिस इमेज का जो है बैकग्राउंड रिमूव किया था उस वाले इमेज को सेलेक्ट करना। सो ये वाला इमेज था, और इस पर मैंने जो है इसका बैकग्राउंड रिमूव किया था, और ऐड के ऑप्शन पर कैप करना। सो उससे पहले आपको जो है सबसे पहले आपको जो बैकग्राउंड रिमूव वाले फोटो को सेट करना, देन उसके साथ आपने जो है 7 फोटो सेलेक्ट करना। सो टोटल 8 होएगा, तो पहले आपको जो बैकग्राउंड रिमूव वाले को सेलेक्ट करना, चूज करना, देन उसके साथ 7 फोटो सेलेक्ट करना। सो पहले जो है ये रहा कुछ इस टाइप से, देन आपको नीचे ऑप्शन दिखेंगे, सो कैनवस के ऑप्शन में जाना, उससे पहले फॉर्मेट के ऑप्शन पर जाए, और यहाँ से 16:9 वाला फॉर्मेट ले, देन आपको कैनवस के ऑप्शन में जाना, और कलर के ऑप्शन में जाना, और यहाँ से कोई सा भी कलर पिक कर लेना। सो यहाँ से कलर पिक किया, देन आपको फर्स्ट वाले इमेज पे टैप करना, कुछ इस टाइप से इमेज पे टैप किया, और इसको आपने जो है जहाँ पे भी राइट्स में आपको जो है इसको सेट करना। सो यहाँ से कुछ इस टाइप से रोटेट किया -90° में, देन इसको बड़ा किया, और यहाँ से कुछ इस टाइप से कॉर्नर पर लगा दी, इस वाले कॉर्नर पर लगा दिया। सो इस वाले कॉर्नर पर लगाया कुछ इतना, देन सिंपली टिक किया, और देन बाकी सारे इमेज है ना उनको आपने जो है कुछ इस टाइप से सेट करना। सो यहाँ से कुछ इस टाइप से सेट करना देख ले, देन आप अगले इमेज को कुछ इस टाइप से -90° में रोटेट करें, देन इस टाइप से जूम करें, और पूरे फुल स्क्रीन में अच्छे से एडजस्ट करें। सो यहाँ से इस वाले को भी -90° में रोटेट किया, इस वाले को भी रोटेट किया, और इस वाले को भी रोटेट किया कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे मेरे इमेजेस है 2-3 जो एक जैसे आ गए। सो लास्ट वाले इमेज को मैं जो है चेंज कर दूंगा, सो कुछ इस टाइप से -90° में रोटेट करना, और यहाँ से फुल स्क्रीन करना कुछ इस टाइप से। सो दो फिंगर से भी कर सकते हो, और एक और तरीका बताऊंगा, सो वीडियो को एंड तक देखना, तो सारा कुछ मैं कवर करूंगा, सो वीडियो को एंड तक देखे। तो कुछ इस टाइप से किया, और इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना, कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, अब आपको जहेज के टाइमिंग को एडजस्ट करना। सो सबसे पहले वाले इमेज पर टैप करना, और फर्स्ट वाले इमेज का टाइमिंग कितना रखना, आपको जो है रखना 2.8 सेकेंड। सो यहाँ
पे बीच में आपको दिख जाएगा इमेज के बीच में कितना टाइमिंग है, 2.7 ये हुआ और ये हो गए 2.8। तो यहाँ से देख सकते कुछ हिसाब से जो लास्ट में वाइट सा दिख रहा और उसके बीच में लाइन, सो उसको आप स्लाइड करोगे तो यहाँ से कुछ हिसाब से टाइमिंग एडजस्ट कर लें। और बाकी सारे इमेज को आपको टाइमिंग रखना 0.4 और 3 भी रख सकते हो, 0.4 रख रहा हूँ तो यहाँ से मैंने 0.4 रखा और 5 भी रख सकते हो, सो 3 से लेके और 5 के बीच में रखना, सो 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, तो 0.4 रखा मैंने कुछ इस टाइप से। और इस टाइप से करने के बाद अगले इमेज पे आए और सभी इमेज को जो है 0.4 करना, और आपको क्या करना लेयर को जूम करके भी कर सकते हो तो उसमें काफ़ी जल्दी आपका जो है टाइमिंग शो होगा। तो यहाँ पे देखना बीच बीच में 0 पॉइंट आगे पॉइंट के आगे कुछ नहीं ना रहा, वो जो है अगर जूम करके करोगे तो अच्छे से दिखाई देगा आपको। तो मैंने कुछ इस टाइप से किया सभी इमेजेस को और ये रहा कुछ इस टाइप से 0.4। देन अगले इमेज पे आया और अगले इमेज के टाइमिंग को भी 0.4 किया, सो कुछ इस टाइप से इस वाले इमेज को सेट कर लिया। और अगले इमेज पे टैप करके जितने सारे भी इमेज उसको आपको रख लेना और इमेज आप जितने मर्जी सेलेक्ट कर सकते हो, सो आपकी मर्जी है। तो यहाँ से मैंने कुछ इस टाइप से पहले 7 इमेज को कुछ इस टाइप से 0.4 किया और कुछ इस टाइप से एंडिंग दिखेगा, सो पहले इस वाले इमेज के टाइमिंग को सेट करें 0.4, देन एंडिंग के ऊपर टैप करके डिलीट के ऑप्शन पर टैप करें। सो यहाँ से मैंने 0.4 किया, देन एंडिंग के ऑप्शन पर टैप किया, डिलीट के ऑप्शन पर टैप और डिलीट हो गया। देन अब आपको क्या करना, अब आपको एनिमेशन लगाना, सो सबसे पहले इमेज पर आना और इमेज पर टैप करने के बाद एनिमेशन के ऑप्शन में जाए। और गाइज अगर आपका ऐसे नहीं आता कॉम्बो इन का ऑप्शन नहीं आता तो आप क्या करें, वीपीएन कोई सा भी कनेक्ट कर ले, सो मैं यूएफओ यूज़ कर रहा हूँ, कोई सा भी कर सकते हो। तो यहाँ से वीपीएन कनेक्ट किया, देन इन वाले ऑप्शन इन का ऑप्शन दिख रहा है, इन सबसे पहला एनिमेशन, सो इनके ऑप्शन पर टैप करें और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेंगे, इफेक्ट दिखेंगे, सो इनको आपको स्लाइड करना और स्विंग बॉटम कुछ इस टाइप से आएगा, स्विंग बॉटम। तो यहाँ स्विंग राइट रहा तो यहाँ से इससे आगे आएंगे स्विंग बॉटम होगा, सो ये स्विंग बॉटम आ गया और इसके टाइमिंग को जो है ड्यूरेशन को है 2.7 और 6 कर सकते हो। सो ऐसे अगर आपको सेकंड के हिसाब से नहीं तो आप क्या करें, जहां आपका जो है वीडियो, जहां आपका लास्ट इमेज है ना, ये लास्ट तो लास्ट से थोड़ा सा जो है पीछे रखें, सो थोड़ा सा पीछे रखें इसको कुछ इतना, देन आपको जो है अगले इमेज पे टैप करना। सो यहां अगले इमेज पे टैप करोगे तो कुछ इस टाइप से एनिमेशन का ऑप्शन आएगा, सो कॉम्बो वाले ऑप्शन में जाकर यहां से जितने सारे भी इमेज है उन सब पे एक इफेक्ट लगाना, सो उसका नाम है पेंडुलम 2। सो यहां से कुछ इस टाइप से आएगा, सो पेंडुलम 2 के ऑप्शन टैप करें, देन अगले इमेज पे आए और अगले इमेज पे पेंडुलम 2 और इसके टाइमिंग को फुल रखें। सो सारे इमेज, बाकी सारे इमेज को आपने जो है पेंडुलम 2 करके सेलेक्ट करना। सो यहाँ से आया और पेंडुलम 2 और यहाँ से आया पेंडुलम 2 कुछ इस टाइप से आ गया और पेंडुलम 2। सो यहाँ से पेंडुलम 2 सेलेक्ट किया और देन सिंपली टिक करके और यहाँ पे हमारा जो है एक लेयर कंप्लीट हो गया। सो कुछ इस टाइप से आपको जब वीडियो देखने को मिला गया, मैं एक बार प्ले करके बता रहा हूँ, कुछ इस टाइप से ये साइड से आएगा, देन ये कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। देन इस वाले वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट करना, सो एरो दिख रहा है ऊपर राइट में, सो इस पर टैप करके फ्रेम रेट रेजोल्यूशन अपने हिसाब से सेट करें, देन इस वीडियो को एक्सपोर्ट करें और देन आपको जो फिर से आपको जो है कैपकट को ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन में ना और जो वीडियो अभी एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को सेलेक्ट करना, देन ऐड के ऑप्शन पर टैप करना, सो कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएगा। सो आपको क्या करना, आपको जो है कुछ हिसाब से देखने को मिलेगा, सो आपको एंडिंग वाले ऑप्शन पे आना, सो एंडिंग पे टैप करना और डिलीट के ऑप्शन पे टैप करके डिलीट करना। सो उससे पहले आप क्या करें, आप जो है कैनवस के ऑप्शन में आए और यहाँ से कलर को कोई सा भी पिक करें और यहाँ से पहले वीडियो छोटा करें, सो कलर पिक करोगे तो इस टाइप से वीडियो को छोटा करें जूम करके, देन यहाँ से कोई सा भी कलर पिक करें और ये जो पहला वाला वीडियो है ना उसको आपने कुछ इस टाइप से स्लाइड करके यहाँ ऊपर सेट करना। सो आप लेफ्ट में भी रख सकते हो, राइट में भी रख सकते हो, जैसे आपको रखना रख सकते हो। तो यहाँ से मैंने कुछ इस टाइप से रखा और इसको और सेट करूंगा, उससे पहले आपको जो नीचे एंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में, सो उस पर टैप करके डिलीट कर लेना, देन आपको जो नीचे कुछ ऑप्शन दिख रहा है उसमें जाके आपको ओवरले का ऑप्शन मिलेगा, सो ओवरले पे टैप करें, ऐड ओवरले पे टैप करें और आपको जो है अगले इमेज का जो बैकग्राउंड रिमूव किया था वो वाला इमेज सेलेक्ट करना। सो ये वाला बैकग्राउंड रिमूव किया था इस वाले इमेज का, सो इसको भी -90 डिग्री में रोटेट करके जूम करके और यहाँ पे इसको यहाँ पे सेट करना, जितना आपको बड़ा रखना रख सकते हो और यहाँ पे कुछ इस टाइप से सेट करना। सो यहाँ से मैंने कुछ इस टाइप से वीडियो को बड़ा किया और इन दोनों को अच्छे से एडजस्ट करें ताकि अच्छे से लगे आपका, तो यहाँ से इसको टॉप पे यहाँ पे एडजस्ट किया और देन ये जो ओवरले नीचे जो ओवरले ऐड किया था, मतलब कि जो बीच बैकग्राउंड का रिमूव किया था पिक्चर का, सो उसको कुछ इस टाइप से आपको जो है आगे तक लाना, एंडिंग तक लाना जहाँ तक पहली वीडियो एंड हो रही है, सो यहाँ तक लाया। देन आपको क्या करना, आपको इमेज पे टैप करके इसको सेट करना कुछ इतना, तो यहाँ से मैंने इसको छोटा करके सेट करता हूँ यहाँ पे नीचे, सो यहाँ से मैंने सेट किया कुछ इतना, सो यहाँ पे ये नहीं दिख रहा अच्छे से, मतलब कि नीचे वाला जो है इमेज वो बड़ा दिख रहा, सो इमेज पे टैप करके यहाँ से मैं सेट करूँगा। सो यहाँ पे इमेज पे टैप किया और इसको छोटा किया और ऊपर वाले वीडियो को भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, सो वीडियो पे टैप किया ऊपर वाले वीडियो पे, सो पहले नीचे वाले इमेज को सेट कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से, देन वीडियो पे टैप किया और इस टाइप से इसको छोटा करके यहाँ पे टॉप पे एडजस्ट किया। सो यहाँ से एडजस्ट हो जाने के बाद अब आपको क्या करना, आपका अब जो एरो का मतलब कि प्लस का आइकन दिख रहा है राइट में वाइट सा,
बिल्कुल छोटा सा एंड में, एंडिंग के एड एंडिंग के आगे राइट में, सो उस पर आपने टैप करना और जिस बैकग्राउंड का, जिस वाले फोटो का आपने बैकग्राउंड रिमूव किया था, सबसे पहले आपको वो वाला फोटो सेलेक्ट करना, देन उसके साथ आपने 6 फोटो सेलेक्ट करना, मतलब टोटल 7 फोटो सेलेक्ट करना, पहले आपको जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया था वो, और देन उसके बाद आपने 6 फोटो सेलेक्ट करना। सो ये इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसके आगे मैंने 6 फोटो सेलेक्ट करने, सो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन आगे आपको जो है 6 फोटो कोई सा भी सेलेक्ट कर, कोई सा भी आपको मर्जी, आपकी मर्जी। सो यहाँ से मैंने 6 फोटो सेलेक्ट किया, ये 6 टोटल 7 होंगे, तो यहाँ से मैंने 7 देखा कुछ इस टाइप से, और ये 7 हो गया। ऐड के ऑप्शन पे टैप करना और इस वाले लेयर को जो है, इस वाले इमेज को, जितने सारे इमेज है उन सबको ऐड पे जैसे टैप करोगे तो ऐड हो जाएगा। सो यहाँ से ऐड हो गया, देन आगे जितने सारे भी इमेज है ना गाइज, उन सबको आपने जो है रोटेट करके एडजस्ट करना, जैसे पहले बताया था वैसे करना। सो यहाँ से इमेज पे टैप किया और रोटेट के ऑप्शन पे गए, कुछ इस टाइप से 2 फिंगर से रोटेट किया और यहाँ से जूम कर लिया कुछ इतना, देन अगले इमेज पे आए और अगले इमेज को भी इस टाइप से रोटेट किया और इस टाइप से जूम कर लिया, ठीक है, देन इस टाइप से जूम कर लिया। और एक और रोटेट का तरीका बताने वाला था, तो एक और रोटेट का तरीका ये, इमेज पे टैप करें और नीचे ऑप्शन है उसको स्लाइड करें और एडिट के ऑप्शन में जाना, सो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर जाएं और रोटेट के ऑप्शन पर जैसे टैप करोगे तो कुछ इस टाइप से रोटेट होगा। सो यहाँ से रोटेट करें और यहाँ से कुछ इस टाइप से इसको फुल करें, और फुल करने के बाद अब आपको क्या करना, जितने सारे भी इमेज है उन सबको आपको फुल करना, देन इसके टाइमिंग को एडजस्ट करेंगे। सो यहाँ से मैंने कुछ इस टाइप से इसके रोटेट किया और फुल कर लिया, सो यहाँ से इस वाले पिक्चर को भी रोटेट किया और इस टाइप से फुल, देन इस वाले पिक्चर को भी रोटेट किया, फोटो को रोटेट किया, देन इस टाइप से इसको फुल करना और ये जो लास्ट है इसको भी रोटेट करके फुल करना, देन अब आपको क्या करना, अब आपको इसके टाइमिंग को एडजस्ट करना। सो यहाँ से कुछ इस टाइप से बाकी सबका टाइमिंग ठीक है, अब आपको क्या करना, जो आगे आपने पिक्चर्स ऐड किए थे उस पर आपने टैप करना। सो पिक्चर पे आप टैप करें, देन आपको जो है इसके जितने भी आगे इमेजेस हैं उन सब पे आपने 0.4 सेकंड तक करना, तो यहाँ से 0.4 किया कुछ इस टाइप से, देन अगले इमेज को भी 0.4 करें, सो यहाँ से 0.4 किया, देन अगले इमेज को भी 0.4 और कुछ इस टाइप से 0.4 कर दिया, देन अगले इमेज पे भी 0.4 करें अगले इमेज को अभी। सो इस यहाँ पे इमेज पे टैप किया और इसको 0.4 और कुछ इस टाइप से 0.4 कर दिया, ठीक है, और यहाँ से जूम करके करोगे तो अच्छे से दिखाई देगा, तो यहाँ से मैं पहले जूम करता हूँ। सो कुछ इस टाइप से बाकी सारे इमेज को भी सेट करता हूँ पहले, और गाइज आपको जितने भी लेयर से बनाने उतने बना ले, तो मैं यहाँ से 3 लेयर बना के बताऊँगा और जितने भी आपको 6 बनाने 7 बनाने ऐसी बना सकते हो, तो लास्ट वाला स्टेप जरूर देख के जाएं। तो यहाँ से कुछ इस टाइप से इसको सेट किया, सो अब आपको जो है इफेक्ट लगाना, सो उसके लिए क्या करें, अब आपको जो है सबसे पहले वीपिन वगैरह कनेक्ट होगा आपका, ठीक है, सो वीपिन जरूर कनेक्ट करके रखें, देन आपको इमेज पे टैप करना। सो यहाँ से कुछ इस टाइप फर्स्ट वाली इमेज पे आए तो कुछ इस टाइप से आपको जो स्लाइड करना और देख लेना आपका जो बाकी सारे सेट है या नहीं, देन इमेज पे टैप करें, एनिमेशन में जाए और कॉम्बो वाले ऑप्शन में जाके पेंडलम 2 को सेलेक्ट करें। सो यहाँ से कुछ इस टाइप से सेलेक्ट साइड किया और देन यहाँ से पेंडलम 2, ये रहा पेंडलम 2, देन अगले इमेज पे भी पेंडलम 2, और बार बार आपको कॉम्बो वाले ऑप्शन में नहीं जाना, आपको अगले इमेज को स्लाइड करना और इफेक्ट भी आपको जो स्टार्टिंग से होगा तो जल्दी से आप इमेज पे टैप करोगे, मतलब कि ऑप्शन जो इफेक्ट है उस पे टैप करोगे तो वो वहीं पे रुक जाएगा। तो यहाँ से पेंडलम 2 को सेलेक्ट किया सारे इमेज पे, देन आपको जो ओवरले का ऑप्शन दिख रहा है सो ओवरले के ऑप्शन पे टैप करना, और ओवरले के ऑप्शन पे टैप करोगे तो ये इमेज दिखेगा, इमेज पे टैप करें, एनिमेशन के ऑप्शन में जाएं, और देन आपको जो है एनिमेशन पे जैसे टैप करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, सो इन एनिमेशन में जाएं, और इन एनिमेशन में जाने के बाद बॉटम स्विंग को सेलेक्ट करें, सो यहाँ से इफेक्ट कुछ इस टाइप से देखेंगे, देन बॉटम स्विंग इफेक्ट को याद रखना, सो यहाँ से बॉटम स्विंग कुछ इस टाइप से दिखेगा, ये वाला बॉटम स्विंग रहेगा, ये रहा, देन कुछ इस टाइप से, और इसकी ड्यूरेशन को आपको कितना रखना, जितना आपका फोटो है ना उससे थोड़ा सा पीछे रखें, मतलब कि 97% या 95% तक रखें, तो कुछ इस टाइप से 4.8 सेकंड तक रखा, यहाँ पे देख सकते बीच में थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया जहाँ पे आपका पिक एंड हो रहा, तो कि जितना रखा और आपको इतना रख लेना, देन आपको सिंपली टिक कर लेना और इस वीडियो को यहाँ भी से एक्सपोर्ट कर लेना गाइज। सो इसके बाद मैं एक लास्ट लेयर बताता हूँ कैसे बनाना, सो न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर टैप करना और जो वीडियो अभी एक्सपोर्ट किया था उस वाले वीडियो को सिलेक्ट करना, सो ये वाला वीडियो इसको सिलेक्ट किया और ऐड के ऑप्शन पर टैप करके इस वीडियो को ऐड कर लिया, और नीचे एंडिंग में आया और एंडिंग के ऑप्शन पर टैप करके डिलीट कर दे, और आपको ओवरले के ऑप्शन में जाना, सो ओवरले के ऑप्शन में गया और ओवरले के ऑप्शन में जाने के बाद ऐड ओवरले के ऑप्शन में गए और जिस वाले फोटो को जो है बैकग्राउंड रिमूव करके रखा था उस वाले फोटो को सिलेक्ट किया कुछ इस टाइप से, देन आपको क्या करना, इस वाले जो है लेयर है ना नीचे ओवरले इसको टैप करके रखना, इस टाइप से स्लाइड करना और स्टार्टिंग तक ले आना, और इसको कुछ इस टाइप से जो है आपको स्लाइड करना, कुछ इस टाइप से स्टार्टिंग में लाना, इसको टैप करके और जो है राइट से बढ़ाना ड्यूरेशन, जितना आपका जो है पहले वाला वीडियो उतना आपको कर लेना इस टाइप से ड्यूरेशन, देन आपको इस वाले ऑप्शन से पहले बैक आना और पहले जो है कैनवस के ऑप्शन में जाना, तो इसको सेट करें और देन आपको जो है बैक आना और कैनवस के ऑप्शन में जाना, सो यहाँ से कुछ इस टाइप से बैक आया कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, देन आपको जो है कैनवस के ऑप्शन में आना और यहाँ से जो भी कलर पिक करना से कर लेना, पहले वीडियो को छोटा करें, देन यहाँ से कलर के ऑप्शन में जाके और कलर पिक करें, तो यहाँ से मैंने कुछ इस टाइप से ये वाला कलर पिक किया
और कलर पिक हो जाने के बाद आपको सिंपली टिक करना। सो यहाँ से कलर कोई अच्छे से देख ले, तो मैंने ये रखा और देन आपको पहले वाले वीडियो को राइट साइड को एडजस्ट करना कुछ इतना। तो यहाँ से एडजस्ट किया कुछ इतना और कर लेने के बाद अब आपको क्या करना, सो यहाँ से पहले एडजस्ट कर रहा हूँ कुछ ऐसे, देन आपको भी कर लेना और सिंपली टिक। और टिक करने के बाद अब आपको क्या करना, बैक आए, देन ओवरले के ऑप्शन में वापस जाएं और यहाँ से कुछ इस टाइप से माइनस डिग्री में इसको रोटेट करें। सो उससे पहले आपको जो है इसको जो है फेस जो है राइट साइड करना, दूसरी साइड करना। सो नीचे ऑप्शन मिलेगा कुछ, तो पहले इसको जो है 90 डिग्री में रोटेट करके यहाँ पे नीचे एडजस्ट करें। सो गाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको जो है लास्ट स्टेप बताता हूँ आपको आगे क्या करना। सो इस टाइप से आपको जो जितने लेयर्स बनाने उतने लेयर्स बना सकते हो। तो यहाँ से मैंने कुछ इतना ही रखता हूँ और आगे मैंने लेयर्स बनाए हुए हैं तो आपको मैं बताता हूँ। तो कुछ इस टाइप से आपको जो सब कुछ एडजस्ट कर लें, देन आपको जो इस वाले प्रोजेक्ट को भी सेव कर लें। सो लास्ट स्टेप आपको ये होगा म्यूजिक ऐड करना और इसको रोटेट करना। सो यहाँ से कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, देन आपको क्या करना है इस वाले प्रोजेक्ट को सेव कर लें। सो यहाँ से मैंने कुछ इस टाइप से सेव प्रोजेक्ट कर लिया, तो ये रहा हमारे सेव हो जाएगा। देन आपको जो न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाना और जिस वीडियो को अभी एक्सपोर्ट किया था जितने लेयर्स बना के, सो उस वाले वीडियो को सेलेक्ट करना, देन ऐड के ऑप्शन पे टैप करें और नीचे ऐड ऑडियो का ऑप्शन दिख रहेगा, सो ऐड ऑडियो पे टैप करें। सो ऐड ऑडियो पे जैसे टैप करोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। सो आपको क्या करना, पहले कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, तो यहाँ से कर लें और आपको जितने लेयर बनाना है सो बना सकते हो। मैंने चार लेयर बनाए कुछ इस टाइप से देख सकते हो आप, यहाँ पे चार लेयर हैं। देन आपको जो है ऐड ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है जिस पे आपने टैप करना, सो जैसे टैप करोगे तो कुछ इस टाइप से ऑप्शन आएंगे। सो यहाँ से कुछ इस टाइप से आपको ऐड ऑडियो पे टैप करना, स्टैक के ऑप्शन में जाना और यहाँ से इस वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देन ये वाला ऑडियो होगा इसको टैप करके स्टार्टिंग में करें और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा इसको वो उसको जो है एंडिंग को डिलीट करके और म्यूजिक एक्स्ट्रा पार्ट कट करें। सो म्यूजिक पे टैप करें, उस टाइप से स्लाइड करें और यहाँ तक ले आएँ। और लाने के बाद अब आपको क्या करना, अब आपको जो है नीचे इस वाले ऑप्शन से बैक आना, जो नीचे ऑप्शन है उससे बैक आए एरो पे टैप करके। देन यहाँ पे आपको जो है फॉर्मेट के ऑप्शन में जाना और 9:16 का रेशियो ले लेना। देन यहाँ से बैक आए और आपको जो है इसको एडजस्ट करने के लिए आप दो फिंगर से भी कर सकते हो और ना वीक वहाँ वीडियो पे टैप करके एडिट के ऑप्शन में जाएं और रोटेट के ऑप्शन में जैसे टैप करोगे तो ये जो है 90 डिग्री का रोटेट हो जाएगा। कुछ इस टाइप से आपको जो वीडियो देखने को मिलेगा और यहाँ पे मैं इस कार्डियो जो है म्यूट रखा हुआ है कॉपीराइट क्लेम के कारण। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जो मैंने ये वाला वीडियो दिया हुआ है तो वहाँ से देख सकते हो। कुछ इस टाइप से आपको जो वीडियो देखने को मिलेगा, आपको जो एक बार प्ले करके बताता हूँ। सो कुछ हिसाब से आपको वीडियो देखने को मिलेगा, देन इस वाले वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट करें। सो गाइज यार कैसी रहा आज की वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है ज्वाइन करना ना भूलें। मैं मिलता हूं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।